तक देखिए, कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो 7 मिनट पहले उन्होंने घड़ी देखकर अपना प्रचार खत्म कर दिया था। जनसभा को संबोधित वो कर रहे थे और आखिर में उन्होंने सबको राम राम किया और अपना चुनाव प्रचार खत्म किया। उन्हीं की तरह बाकी जो भी बड़े दिग्गज नेता थे अपने संबोधन को उन्होंने समाप्त किया और आज के दिन के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी। बस अब देखना यह होगा कि कल की वोटिंग के बाद क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2023। प्रदेश में कल शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस ने कसी है कमर। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए तैनात रहेंगे 1,70,000 सुरक्षाकर्मी, यहां पे पुलिसकर्मी, होमगार्ड और अर्धसैनिक बलों की 700 कंपनियां तैनात रहेगी। अति संवेदनशील क्षेत्र में 11,655 संदिग्धों को चिन्हित कर किया गया है पाबंद। यहां पर चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर सकने वाले लोगों को पाबंद किया गया है। कोर्ट से कराया गया है 2.5 लाख असामाजिक तत्वों को पाबंद। क्रिटिकल पोलिंग बूथ पर की जाएगी लाइव वेबकास्टिंग। मतदान के दिन 1300 से ज्यादा QRT रहेगी तैनात। तो देखिए, बिल्कुल ही सुरक्षित तरीके से इस बार मतदान होना है और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रदेश में कल शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय पंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, कल वोटिंग डे है, उसको लेकर देखिए हर तरीके से तैयारियां शुरू कर दी गई है। शांतिपूर्ण मतदान हो, निष्पक्ष मतदान हो, कड़ी सुरक्षा में मतदान हो, इसको लेकर पुलिस ने कमर कस ली है और इसको लेकर जगह जगह जो है पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मियों को तैनात कर दिया गया है, होमगार्ड को तैनात कर दिया गया है। क्या ताजा जानकारी आपके पास इसको लेकर, क्या कुछ खासा तैयारी है वहां पे? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से कल वोटिंग होनी है उसको लेकर जो राजस्थान पुलिस है उसने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। इस बार प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए 1,70,000 जो सुरक्षाकर्मी है उनको लगाया गया है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो पुलिसकर्मी है, होमगार्ड है और जो अर्धसैनिक बल है उनकी 700 जो कंपनियां हैं वो तैनात की गई है। और विशेषकर जो अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है उनकी टुकड़ियों को तैनात किया जाएगा। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुनावी प्रक्रिया को जो लोग बाधित कर सकते हैं ऐसे 11,655 लोगों को संदिग्ध करके पाबंद किया गया है। और इसके साथ ही 2,51,000 लोगों को कोर्ट के जरिए भी पाबंद कराया गया है। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्रिटिकल पोलिंग बूथ है वहां पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। साथ ही 1300 से अधिक जो क्विक रेस्पॉन्स टीम है उनका गठन किया गया है और जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो बनाई गई है, जो किसी भी तरह की कोई सूचना अगर उनको मिलेगी तो तुरंत उस ओर वहां मूव करेगी। वहीं मैं बताना चाहूंगा जितने भी अति संवेदनशील और संवेदनशील पोलिंग बूथ है वहां पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहां पर सशस्त्र बल जो कमांडो है वो तैनात रहेंगे, चाहे बात हम ITBP की करें या फिर जो CISF और CRPF के जो जवान और BSF के जो जवान केंद्र सरकार की ओर से और पुलिस मुख्यालय को दिए गए और पुलिस मुख्यालय की ओर से अलग अलग जिलों को ये जो कंपनियां हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं। तो उसके आधार पर जो चुनाव है वो उसमें सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल विनय, तो यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई है और किस तरीके से देखिए वेबकास्टिंग लाइव की जाएगी यहाँ पर क्रिटिकल पोलिंग बूथ पर और जो है जगह जगह पाबंदियां लगा दी गई है। इसी को लेकर सारी जानकारी हमारे सहयोगी ने आप तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया विनय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए कल का दिन बेहद ही खास है, इसको लेकर खासा तैयारियां यहाँ पर की गई है। किसी भी तरीके से कुछ भी चूक ना हो इसको लेकर सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मियों को तैनात कर दी गई और अलग अलग टुकड़ियां अलग अलग मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेगी ताकि किसी भी तरह की कोई चीज या असामाजिक तत्वों की तरफ से कोई चीज को अंजाम ना दिया जाए।